हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुजरात हाई कोर्ट ने अपना इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड टू का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट दे दिया है 20 अक्टूबर। टेंटेटिव लिखा है लेकिन टाइम शेड्यूल भी एनटीए ने दे दिया है 20 अक्टूबर को। थर्ड शिफ्ट होगा संडे को, 4:30 इवनिंग वाला शिफ्ट, 4:30 to 6 PM वो शिफ्ट आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर का रहेगा। 1648 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, मतलब इतने लिस्ट कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, विच इज़ मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ा नंबर है। मैं अराउंड 1000 से 1200 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 1648 टोटल एप्लीकेंट्स हुए हैं, 54 वैकेंसीज है, तो अच्छा कंपटीशन रहेगा। प्योरली ये हाई कोर्ट का है, नॉन ट्रांसफरेबल है। आगे जाके आपको PS और PPS प्रमोशन का भी चांस मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। इसमें आप अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये वीडियो छोटा सा रहेगा डिस्क्रिप्टिव के बारे में। वैसे तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं मेरे पास मटेरियल के जिसके वो बेसिस पे मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आता रहता है कि बताइए बताइए बताइए, तो सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव होगा 40 मार्क्स का, 40। क्राइटेरिया है मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड बाकी सब कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स। कल ही उन्होंने डॉक्यूमेंट डाला है जिसमें मेंशन है कि बाकी सारी कैटेगरीज जनरल को छोड़ के 45% मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया है। क्वालिफाइंग नहीं बट मिनिमम, यानी उससे ज़्यादा आएंगे तो ही आप कंसिडर किए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि होगा इंग्लिश स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट एट 100 वर्ड्स पर मिनट 8 मिनट्स के लिए, यानी 800 वर्ड्स का वो स्किल टेस्ट होगा। 50 मिनट्स टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे, तो 50 में से जनरल कैंडिडेट्स सॉरी 40 मार्क्स में से मिनिमम 20 लाने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है, और मिनिमम 18 45% होगा 18 मार्क्स लाने हैं अगर आप बाकी किसी कैटेगरी से है। ये तो हो गया बेसिक क्राइटेरिया की बात। अब हमारे पास क्या डिटेल्स है इस एडवर्टाइजमेंट के लेके, डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाएगा? एसे, लेटर और प्रेसी, ये तीन चीज कंफर्म है। उसके अलावा बोला गया है अदर रिलेटेड क्वेश्चन टू टेस्ट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, मतलब बेसिक आपका इंग्लिश ग्रामर कैसा है, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका कितना पकड़ है, वो उसके लिए बेसिक क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। अब एसे, लेटर और प्रेसी, यही मिनिमम मैं समझता हूँ 20 से 25 मार्क का होगा, 30 मार्क का भी हो सकता है। ऐसे तो आई एम श्योर 10 मार्क्स का होगा। लेटर और प्रेसी किस तरीके से रखते हैं, या तो 5-5 हो सकता है या वो भी 10 और 10 भी हो सकता है, और बाकी 10 मार्क्स जो है वो आपका इंग्लिश ग्रामर में या तो थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन पॉसिबल है, आई डोंट नो, लेट्स सी। ट्रांसलेशन अगर पूछते हैं तो 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन हो सकता है, नहीं तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स या सिनोनिम एंटोनिम टेंसेस के बेसिस पे, प्रिपोजिशंस के बेसिस पे, तो वो 10 से 15 मार्क का हमें कोई आइडिया नहीं है। बट अगर आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर स्किल्स कवर्ड है तो वो आपको इतनी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। एसे, लेटर और प्रेसी, एसे जुडिशरी से रिलेटेड हो सकता है, हो सकता है तीन चार ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस आपको देंगे या दो ऑप्शंस देंगे। कुछ जो पिछले पेपर्स हैं हाई कोर्ट के, DYSO के, हाई कोर्ट के अपना असिस्टेंट के और हाई कोर्ट के कैशियर के, वो मैं आपके साथ स्टेनोग्राम में शेयर कर देता हूँ, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके का एसे पूछा जा सकता है। लेटर का भी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से लेटर भी पूछा जाए। लेटर के लिए आपको प्रिपेयर तो दोनों ही चीज़ें करनी है, फॉर्मल इनफॉर्मल, लेकिन फॉर्मल का ज़्यादा चांसेस है। अगर दोनों पूछते हैं 5-5 मार्क का तो अलग बात है, लेकिन अगर एक पूछा जाएगा तो मैं समझता हूँ 10 मार्क्स का एक ही फॉर्मल लेटर हो सकता है। प्रेसी की बात करें तो प्रेसी इज प्योरली अबाउट प्रैक्टिस। क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा, आपका जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल 180 वर्ड्स का, तो आपको उसको 1/3 करना है, लेकिन आपका वो जिस्ट जो है, समरी है, वो चेंज, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, आपको उसको 1/3 में लिखना है, और उसमें 1/3 में टाइटल भी आ जानी चाहिए। क्या आपको एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने चाहिए? आई वुड से कि आपको लिखने चाहिए। अगर 180 वर्ड्स दिए हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल के टोटल वर्ड्स इन प्रेसी, तो 180, फिर नीचे आपने लिख दीजिए टोटल
वर्ड्स इन ओरिजिनल पैराग्राफ और वर्ड्स इन प्रेसी एंड वर्ड्स इन टाइटल, इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 180 वर्ड्स है, उसमें से आपने 60 वर्ड्स का बनाया, उसमें 57 + 3, 57 इसका मेन पैराग्राफ का जो आपने बनाया है, और फॉर एग्जाम्पल 3 वर्ड्स का आपने उसका हेडिंग दे दिया। तो उस तरीके से आप अलग अलग मेंशन कर देंगे तो वो चेकर को, पेपर चेकर को अच्छा लगेगा, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी उसमें। तो प्रेसी इज अगेन, एसे और लेटर पे हर कोई मेहनत कर लेता है, प्रेसी पे इतना ध्यान नहीं देता है, बट प्रेसी राइटिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि वहां जाके कर लेंगे, इनफैक्ट तीनों चीजें ऐसी है, एसे लेटर और प्रेसी, कि तीनों चीजें ही प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आपका ग्रामर अच्छा है, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आइडियाज जो होते हैं एसे के लिए स्पेशली, तो उसके लिए आपको रीडिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी। आपका रीडिंग अगर अच्छा होगा और वो अचानक से बिल्ड नहीं हो जाता है, जो पहले से रीडिंग करते हैं उनको ऑफकोर्स एक एडवांटेज रहेगा, लेकिन अभी भी 20 दिन है, अगर आप इतना रीडिंग नहीं किया है अभी तक तो आप रीड कीजिए। नहीं तो क्या होता है, एसे में क्या लिखना है वो लोगों को आइडिया ही नहीं रहता है। एक दो पैराग्राफ तो ठीक है लिख लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वही ना वही चीज़ अलग अलग वर्ड्स में रिपीट करने हैं। ऐसे में वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है, आपको नए आइडियाज़ देने हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे का लेटर का फॉर्मेट देख लीजिए, वो सब तो आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक से मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन की बुक से। अगर आप कोई एक बुक अगर आपके पास नहीं है एंड यू वॉन्ट अ बुक, देन आई वुड एडवाइज, पहले भी मैंने इसको रेकमेंड किया है, अरिहंत की डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी एंड रिचा शर्मा, काफ़ी अच्छी बुक है। एसे लेटर प्रेसी हर एक चीज़ इसमें कवर हो जाती है ग्रामर की। एसे के इसमें जो पहले 20-25 एसेज के टॉपिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जुडिशियरी से रिलेटेड भी है, तो वो आपको फॉर श्योर मदद करेगा। और कुछ एसेज जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मुझे लगा वैसे एसेज का एक लिस्ट है मेरे पास, मैंने इसमें AI का भी हेल्प लिया है कुछ, तो वो आपके साथ मैं स्टेनोग्राम में शेयर कर रहा हूँ, वो आपको मदद करेंगे। इम्पोर्टेंट लेटर्स, लेटर्स तो फॉर्मल किस तरीके के होते हैं वो तो आपको आइडिया होगा ही। ये बुक आप अच्छे से कर लेंगे तो आई एम श्योर आप मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो तो कर ही लेंगे, प्रोवाइडेड आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। अगेन आई रिपीट दिस, हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को चेक करना अच्छा लगना चाहिए। अगर अभी भी हैंडराइटिंग आपको डाउट है अच्छे हैं नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि हैंडराइटिंग चेंज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, नहीं, 10 दिन में भी हैंडराइटिंग चेंज किए जा सकते हैं, बेटर इम्प्रूव किए जाते हैं, आपको कोई वर्ल्ड क्लास करने ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके अच्छे हैंडराइटिंग नहीं है तो बहुत सारे कैलीग्राफी क्लासेस होते हैं, बहुत सारे हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लासेस होते हैं आपके आसपास, आपकी सिटी में भी 100% होंगे। आप गूगल पे सर्च कीजिए, मैंने खुद ने 1 वीक का वो क्लास लिया हुआ है, कुछ 1500 फीस थी, लेकिन उसकी वजह से मेरे हैंडराइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हुए और वो मुझे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हुए हैं। तो इस बात को अगर आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, आप अपना लैंग्वेज पे, आप अपना ग्रामर पे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। मैंने रिफ़र किया जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का है, असिस्टेंट का है, कैशियर का है, उसका पेपर, तो डिस्क्रिप्टिव इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट। इंग्लिश स्टेनोग्राफर में आज दिन तक ये लोग नहीं पूछते थे डिस्क्रिप्टिव, हमेशा MCQ बेस्ड ही प्रीलिम होता था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव इन्वॉल्व किया गया है इंग्लिश स्टेनोग्राफर का प्योरली हाई कोर्ट में, विच आई थिंक इज अ गुड मूव। GK होता है अपना, रीजनिंग होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है एक इंग्लिश स्टेनोग्राफर को, और हाई कोर्ट में जहाँ पे इंग्लिश ही ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे आपका इंग्लिश का स्किल अच्छा है तो आपका चांस ऑफकोर्स ज़्यादा होना चाहिए सिलेक्शन का। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मूव और ये हेल्पफुल होगा अच्छे कैंडिडेट्स के लिए। 40 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है, 40 मार्क्स, इसके बाद होगा स्किल टेस्ट, अगेन 100 वर्ड्स पर मिनट, कंफर्टेबल स्पीड है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, उसमें आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ये आप मिनिमम 50 स्कोर करेंगे, 50%, और फिर मेरिट पे भी जाएगा। मेरिट मैं समझता हूँ हाई रहेगा, क्योंकि 1648 में से समझ लो 1500 बच्चे तो दे ही देंगे एग्ज़ाम, और सीट्स हैं सिर्फ 54, तो क्वालिफिकेशन करने के लिए मैं समझता हूँ आपको मिनिमम
25 के ऊपर आप मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे लेटर प्रेस ही है तो ऑफ कोर्स मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इसलिए मैं 25 बोल रहा हूँ, नहीं तो 30 के ऊपर ही जाता, नो डाउट अबाउट इट। और जा भी सकता है, डिपेंड करता है वो किस तरीके से चेकिंग करते हैं उस पर। अगेन एसेज, इंपॉर्टेंट एसेज का लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। पास्ट पेपर्स जो है मेरे पास 3-4, वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। बुक मैंने आपको बता दी, ये बुक अगर आपने नहीं खरीदी आप खरीद लीजिए। अगर आपके पास और कोई अच्छी बुक है ऑलरेडी तो फिर बुक्स, ज़्यादा बुक्स पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, लेकिन जो मटेरियल है ऑलरेडी अवेलेबल उस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एआई की हेल्प लीजिए, एआई इज़ अ वंडरफुल थिंग। आप चैट जीपीटी को क्वेश्चंस पूछिए, आप जेमिनी है, जेमिनी भी बहुत अच्छा ऐप है, आपको प्रिपरेशन करने में हर तरीके से मदद करेगा, टिप्स देगा। जो भी आपका माइंड में डाउट है उसको बस सही तरीके से आप उसको प्रॉम्प्ट, जो बोलते हैं ना, सही प्रॉम्प्ट देंगे तो उसका आंसर आपको 100% मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू, एडवाइस देना सिंपल है, मेहनत आपको करनी है। आई एम श्योर यू विल वर्क हार्ड एंड अचीव इट। और कोई डाउट है इसके बारे में? हाँ, एक डाउट के वो बहुत सारे लोग डर गए कि इसमें एमसीक्यू क्यों लिखा है टेस्ट। इट्स नॉट एन एमसीक्यू टेस्ट, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, क्योंकि गुजराती स्टेनोग्राफर वालों का भी है साथ में और उनका एमसीक्यू बेस्ड है सेम डे को, तो हो सकता है वो टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से उन्होंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। बट एज ऑफ नाउ डोंट वरी, डिस्क्रिप्टिव ही है। 20th डेट, 3 वीक्स, यू हैव 3 वीक्स, 20 डेज है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कहीं पे भी अटकते हैं तो आई एम देयर टू हेल्प। एक दूसरे को भी आप हेल्प कीजिए, स्टेनोग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे से भी डाउट्स पूछ सकते हैं। हर बार मैनी ए टाइम्स जॉब की वजह से, पर्सनल कुछ काम की वजह से मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट आई एम श्योर यू आर देयर टू हेल्प ईच अदर। दैट्स इट, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।